आयोजित जनता दर्शन से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक छोटे कद की महिला ने रोका रास्ता, मांगा आवास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम को दिया निर्देश, कहा महिला को जल्द उपलब्ध कराएं मकान। गोरखनाथ मंदिर में प्रवास के दौरान बुधवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद, निस्तारण का दिया भरोसा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, डीएम ने कहा अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, जमा होंगे लाइसेंसी बंदूकें, फॉर्म भरकर मतदाता करा ले अपना नाम सूची में दर्ज। दवा की दुकान के लिए ड्रग लाइसेंस के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर औषधि विभाग के लिपिक को 40,000 रुपए घूस मांगना पड़ा महंगा, घूस लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा लिपिक को, कोतवाली थाने में एंटी करप्शन टीम ने दर्ज कराया मुकदमा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई JEES के रोकथाम संबंधित मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक, सभी इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर को क्रियाशील करने के दिए निर्देश, कहा आपसी समन्वय बनाकर इंसेफ्लाइटिस पर लगाएं लगाम, शिथिलता बर्दाश्त नहीं। बुधवार को पैदल शहर भ्रमण पर निकले ADG जोन निखिल कुमार, लोगों से की वार्ता, जाना शहर के कानून व्यवस्था का हाल, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव सहकारिता ने किया धान खरीद की समीक्षा, कहा 28 फरवरी तक पूरा करे धान खरीद की प्रक्रिया। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट्स पर आयोजित हुई कार्यशाला, रेडीमेड गारमेंट्स के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने पर हुई चर्चा। गोरखपुर वासियों को जल्द मिलेगा चिड़ियाघर का सौगात, मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं लोकार्पण, डीएम ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत बुधवार को NXC भवन के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों को दिए टिप्स, एग्रीकल्चर और हिस्ट्री के विषयों की दी जानकारी। गोरखपुर जिला फरवरी माह के अंत तक कोरोना संक्रमण मुक्त हो सकता है घोषित, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार होती जा रही है कम, अब महज 40 रह गए हैं एक्टिव मामले। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत दुर्घटना बीमा कंपनी के सहयोग से सड़क सुरक्षा में मोटर वाहन बीमा विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला, संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा बीमा कराकर ही चलाए वाहन, नहीं तो पकड़े जाने पर होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर में बुधवार को मिले मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,451, अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 40 रह गए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कैच द रेन प्रोग्राम की बैठक, जल संरक्षण पर हुई चर्चा। और गुरुवार को फ्रंट लाइन वर्करों के टीकाकरण का है अंतिम दिन, 32 अस्पतालों के 48 बूथों पर फ्रंट लाइन वर्करों का होगा टीकाकरण, 5,761 का रखा गया है लक्ष्य, जिला अस्पताल में नवागत ADG अखिल कुमार को कोविशील्ड का लगाया जाएगा टीका।